देखिए पाकिस्तान और भारत के बीच में पॉइंट है कि इतनी जो मिसकंसेप्शन फैलाई गई है, और आई एम सॉरी टू से स्पेशली आपकी तरफ से, जी वो इतनी मिसकंसेप्शन फैला दी गई है कि उस मिसकंसेप्शन को दूर करेंगे तो कई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसे अरे भाई ये मान लो कि ये भारत की एंशियंट भूमि है, यहाँ पे भारतीयों के एक सिविलाइजेशन है, यहाँ हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है, तक्षशिला है, यहाँ पे भगवान राम हुए, बुद्ध हुए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई आप यहाँ पे आके इस्लाम की प्रैक्टिस ना करें, लेकिन आप तुर्कों की तरह हो जाए ना, तुर्क अपनी जमीन को इस्लामिक लैंड नहीं कहते हो जबकि उनकी 80% जनता वो है मुसलमान है। हमारा क्या और आपसे विरोध है भाई? कोई नहीं, हमें हमारी जिंदगी जीने दें, हमें हमारे ट्रेडिशन कल्चर हेरिटेज को हम प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करना चाहते हैं। हमारे यहाँ भाई मंदिरें बने, हमारे यहाँ पे जो पुरानी जो हमारी जो संस्कार हैं, जो हमारे वो है, उनको हम जीना चाहते, अब आपका उनको हम संजोना चाहते हैं। अब अगर आपका ये है कि भाई हमें प्रैक्टिस भी करना है अपनी रिलीजन को और इनको डिस्ट्रॉय भी करना है, दिस इज वेयर द प्रॉब्लम इज। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप हमसे नफरत नहीं करेंगे, वरना बताइए कि रिलीजन प्रैक्टिस करने के लिए क्या टू नेशन थ्योरी की जरूरत है कि हम साथ में नहीं रह सकते? ये कौन कह रहा है भाई? ये अरबी तो नहीं कह रहे टू नेशन थ्योरी कि हम साथ में नहीं रह सकते। वो तो अपने आप पे जितने बड़े बड़े टॉप पोस्ट पे लोग बैठे हैं वो सब इंडियन बैठे और हिंदू हैं वो, उन्होंने तो नहीं जजिया लगाने की बातें की, वो तो नहीं करेंगे हम गजवाए हिंद करेंगे, ये सारा कुछ आपकी तरफ से आ रहा है भाई। तो पॉइंट ये है कि आपको कुछ चीजें तो एक्नॉलेज करनी पड़ेंगी, उसके बिना आप में हम में और आप में कोई बात नहीं होगी। नंबर वन, आप कहते हैं भारत ने कभी पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया, दिस इज अ ब्लेटेंट लाई। इंडिया ने पाकिस्तान को पॉलिटिकली हमेशा एक्सेप्ट किया, इसलिए हमने कभी वॉर नहीं किया। हम आपको कल्चरली अपना मानते हैं, उसको आप कैसे रोक देंगे, उसकी एक हिस्ट्री है पूरी। दूसरा, आप कहते हैं इंडिया कभी एक राष्ट्र नहीं था, अरे भाई किताबें लिखी हुई हैं, कम से कम किताबें ही पढ़ लो। आप अलबरूनी को पढ़ लें, वो अपने किताब में लिखता है कि इंडियंस वर प्राउड ऑफ देयर किंग्स एंड ऑल दैट। अब ये कि एक ही किंग पूरा जब तक भारत पे राज नहीं करे तो भारत यूनिफाइड नहीं होगा, ये हमारे यहाँ कभी भी नहीं था। हमारे यहाँ हमेशा प्लुरलिज्म था, हमारे यहाँ हमेशा फेडरलिज्म हुआ करता था, जो आप भी आज फेडरलिज्म से ही तो गवर्न हो रहे हो ना। एक पाकिस्तानी तो कोई है नहीं, बलूच है, पश्तून है, पंजाबी है, सराइकी है, सिंधी है, और भी जो छोटे छोटे नेशन होंगे जिनको हम नहीं जानते, कैलाश है, उस टाइप के लोग होंगे ना आपके यहाँ पे। तो आप एक बार ये कंफ्यूज हो गए कि अब हम मुसलमान हो गए तो सारी नेशनलिटी खत्म हो जाएगी। अब तो आपने भी सीख लिया, चला रहे हो ना आपके यहाँ भी तो सूबाई असेंबली है और मजलिसे शुरा भी तो है, मजलिसे शुरा बिल्कुल तो सूबाई असेंबली क्यों करना था अगर आपको फेडरलिज्म नहीं चाहिए था? तो भैया जो आज आप समझ रहे हो कि भाई सिंध की गवर्नमेंट भी चल सकती है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी चल सकती है, पाकिस्तान और सिंधी आइडेंटिटी को एग्जिस्ट कर सकती है, तो ये भारत को एक्सटेंड कर दो ना भैया। हमारे यहाँ भी कई राजा थे लेकिन वो राजा अपने आप को भारतीय मानते थे, वो अपने अपने इलाके में अपनी अपनी टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के लिए लड़ा करते होंगे, वो कौन सी बड़ी बात है? क्या भुट्टो साहब शहबाज शरीफ से, नवाज शरीफ से नहीं लड़ते हैं? तो ये नहीं लड़ते तो वो पाकिस्तानी नहीं रह जाएंगे? ये बात समझाने में कितनी दिन लगेगी कि भाई जब तक हम भारत तलवार से नहीं बना, हमने कभी किसी को चिट्ठियां नहीं लिखी भारतीय बन जाओ या हम पे हमसे डाउन होके रहो या हमसे लड़ लो, भारत कल्चर से बना, भारत धीरे 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 जो ट्रेडिशन हिस्ट्री की प्रैक्टिस हुई, एक बहुत सारे इलाके में इसने बहुत सारे मानवों को अपने ग्रिप में लिया जो इस आइडियोलॉजी से बहुत ज्यादा जिसे कह लीजिए इसको समझे, इससे जुड़े, और आज वो अपने आप को भारतीय कहते हैं। क्योंकि एक समय तो रहा होगा ना भारत, तो इसीलिए हम इसको सनातन कहते हैं कि भाई सनातन भी हो तो कभी तो शुरुआत हुई होगी ना, तो उस समय तो जिस बंदे ने लिखा होगा कि भारतीय कौन है, सारे भारतीय नहीं रहे होंगे। जैसे इस्लाम फैला अरब से बाहर, जैसे क्रिश्चियनिटी फैली पैलेस्टाइन से बाहर या इसराइल से बाहर, उसी तरीके से हिंदुस्तान भी फैला और बहुत बड़े इलाके में फैला। तो आपको ये मानना पड़ेगा कि हमारी कल्चरल आइडेंटिटी है, हमारे यहाँ 10 राजा हों, 100 राजा हों भारत की भूभाग के अंदर, इससे हमारी पॉलिटिकल और कल्चरल आइडेंटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राजाओं का होना, मल्टीपल राजाओं का होना, छोटे छोटे राजाओं का होना, इसका मतलब ये नहीं था कि भारत कभी यूनाइट नहीं था। वो पॉलिटिकल यूनिटी इज डिफरेंट फ्रॉम कल्चरल यूनिटी। पॉलिटिकल यूनिटी हमारे यहाँ हमेशा फेडरलिज्म था और कल्चरल यूनिटी आज भी है। आप डाउन साउथ में जाएं भी बंदा साड़ी पहन रहा है और अप नॉर्थ में भी बंदा या बंदी साड़ी पहन रही है। आप देखें सबका जो जो वो है भाषा, वो क ख ग घ है, बंगाली क ख ग घ, तमिल क ख ग घ, उसमें कुछ तमिल में कुछ कम है जो हिंदी वाले क ख ग घ है उससे कुछ उनके यहाँ कम है, लेकिन है वो भी क ख ग घ। उसी तरीके से उड़िया क ख ग घ, राजस्थानी क ख ग घ, तेलुगु क ख ग घ, उड़िया क ख ग घ, कश्मीरी क ख ग घ। अब आपको क्या चाहिए? ये अगर वही आप देख ले अरब में, वहां का कख गगा नहीं है, वहां अलिफ बेते से है। उसी तरीके से रोमन में देख ले, वहां का कख गगा नहीं है, वहां एबीसीडी है। तो
तो जहां भी ये कखा गगा से अपनी भाषा बोली जा रही है वो भारत का क्षेत्र था, वो अपने आप को किसी भी तरीके से पॉलिटिकली वो व्यू करें। तो ये जो आपके यहाँ एक प्रॉब्लम आई कि जब तक एक राजा होकर के सबको एक समान यूनाइट ना कर ले, पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट ना हो जाए, यानी कि वो आमरियत ना बन जाए, तब तक पॉलिटिकल कंसेप्ट नहीं होता। हमारे यहाँ कंसेप्ट नहीं था, हम भारत को कल्चरली बनाए हैं। भारत वॉज नेवर अ पॉलिटिकल आइडिया, भारत वॉज ऑलवेज अ कल्चरल आइडिया, और इसी कल्चर में से पॉलिटिक्स निकलता है। पॉलिटिक्स ऑलवेज टेक बर्थ फ्रॉम द कल्चर। तो अपमान में बात खत्म हो जाएगी जी। लेकिन सर एक चीज और के हमेशा से पाकिस्तान में हमेशा ही बताया गया कि जी भारत से डराया गया, इनफैक्ट कि जी भारत जो है वो जैसे तैयार बैठा हुआ है कि उसने हमारे पर अटैक कर देना है, उसने हमारे पर कब्जा कर लेना है, या इस किस्म की चीज है। ये अभी नहीं, ये 1947 से यही चूरन जो है वो हमारे यहाँ खिलाया जाता है। लेकिन आपके ख्याल से ये क्या बात है, कोई खौफ है भारत का, या ये कि ये किसी किस्म की पॉलिटिक्स खेली जाती रही है पाकिस्तानियों के साथ कि भारत जो है वो अटैक करने बैठा है और भारत जो है वो कब्जा करने बैठा है, इस किस्म की बातें जो बार बार की जाती हैं, अभी तक की जा रही हैं, तो आपके ख्याल से क्या ये कोई खौफ है या ये कोई पॉलिटिकल गेम खेली जाती है? देखिए, जब आप समाज का निर्माण करते हैं तो आपने एक नए समाज के बारे में सोचा और जिद में सोचा, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स आ रहे थे तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस की बात चल रही थी, तो भारतीय मुसलमान जो था वो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस में इंडियन को मानने को तैयार नहीं था, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी अलग देखना चाहता था, और उस अलग देखने में यहां तक कि वो सेपरेट इलेक्टोरेट और ये सब की बातें हुई। सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब मुस्लिम को सिर्फ मुस्लिम वोट डालेगा, हिंदू को सिर्फ हिंदू वोट डालेगा, और सबके लिए रिजर्वेशन हो जाएगा। ये बात कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस इंडियन फिलोसफी के अगेंस्ट में थी, क्योंकि हम कभी भी आइडेंटिटी के हिसाब से भारतीय को नहीं बनाया। हमारी भारत की डेफिनेशन ही यही है कि आप जो मानना है मानो, लेकिन चूंकि आप इस भारत के भूभाग में रहते हो आप भारतीय हो, आप हिंदू, हिंदुस्तानी हमको हम लोग नहीं कहते, हिंदुस्तानी हमको तुर्कों ने कहा, तो हिंदू आप तुर्कों के हिसाब से हुए, अरबों के हिसाब से हुए, अरबी आपको अल हिंदी कहते हैं, हमें नहीं कहते, मतलब अल हिंदी मतलब मुसलमान बुरा मान जाए कि अब हमें अल हिंदी कह रहे हो, भाई वो ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से आपको वो डिटरमाइन करते हैं। तो पॉइंट ये कि पाकिस्तान की जब विजुअलाइजेशन की जा रही थी, इट वाज अ नेगेटिव आइडिया। पाकिस्तान जब आप देखें, इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल का एक सब एटॉमिक पार्ट है, मगर वो नेगेटिव है चार्ज में, वो पॉजिटिव के साथ आएगा तो वो अपना बिहेवियर वही रखेगा। सेम विद द पाकिस्तान, इट्स अ नेगेटिव आइडिया। पाकिस्तान वॉज नेवर अ कोहेसिव आइडिया, पाकिस्तान वॉज नेवर अ यूनिफाइंग आइडिया। पाकिस्तान वॉज अ निगेटिव आइडिया ऑफ इंडिया, कि इंडिया को निगेटिव करना है इंडिया के लोगों के द्वारा, तो उसका एक ही आइडिया है पाकिस्तान। और फिर उन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए ऐसे ऐसे डेफिनेशंस को चुना जो डेफिनेशंस कभी भी फिट नहीं होते थे, जैसे पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इससे तो यार आज तक अरब अपनी एक कंट्री नहीं बना पाए। इसका सीधा एग्जाम्पल यह है कि सीरिया और यूएई और इजिप्ट ने एक बार यूनाइटेड नेशन में ये दरखास्त दी कि हम दोनों मर्ज हो रहे हैं और एक कंट्री बना रहे। 3 साल बाद तलाक हो गया, दोनों सीरिया और इजिप्ट फिर से बन गए। जब वो नहीं बना पाए ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे एक कंट्री, आप कैसे बना सकते हो? ला इलाहा इल्लल्लाह ब्रदरहुड है, पर नेशनहुड नहीं होता। मतलब कि आप शुरू में मिलेंगे तो आपको एक अरबी में बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन 5-6 दिन बाद आपको उसकी हरकतें नहीं पसंद आएंगी, उसको आपकी हरकतें पसंद आएंगी, क्योंकि आप बेसिकली दो डिफरेंट लोग हो। तो आप उससे रिलीजियसली कनेक्ट हो सकते हो, उससे आप कल्चरली कनेक्ट नहीं हो सकते, ना वो भाषा आपकी, ना खान पान आपका, ना उसकी कपड़े आपके। आप उसको अरबी बनने की कोशिश कर सकते हो, वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए अरब कभी भी सिटीजनशिप नहीं देते, क्योंकि वो कहते हैं मुसलमान तो बन जाओ, अरबी बनने का ख्वाब में भी सोचा तो टांगे तोड़ देंगे। दे नेवर गिव सिटीजनशिप। वो कहते हैं मुसलमान तो बहुत बढ़िया, अपने अपने इलाके में रहो, यहां मत आओ। एक बात बताइए, जब भी माइग्रेशन होता है ये अरब लैंड से, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है वो सारे यूरोप में ही जाते हैं। सीरिया से भाग के कोई यूएई में नहीं आ रहा है, कोई सऊदी अरेबिया में नहीं जा रहा है, कोई ईरान में नहीं जा रहा है, इतने इतने मुल्क है वहां नहीं जा रहे, सब यूरोप में जा रहे। क्यों? तो भाई कोहेसिवनेस नहीं है ना। तो इसलिए ये पाकिस्तान वॉज एसेंशियली अ नेगेटिव आइडिया, इट वॉज एन एरोगेंट आइडिया। ये आइडिया था हिंदुओं को चिढ़ाने वाला कि तुमसे हम बेहतर बन के बना सकते हैं। और वो नेशन चूंकि एक जो आप कह लें अब्राहमिक फेथ में नेशन एक यूनिफाइंग कॉन्सेप्ट है कि नेशन के लोग इंसान साथ में क्यों रहते हैं, क्योंकि वो एक नेशन है। बट पाकिस्तान नेशन तो नहीं था ना, इस्लाम नेशन मान लिया उन्होंने, नेशन पख्तून है, नेशन पंजाब, नेशन बंगाली है, नेशन देखिए बांग्लादेश चल रहा है, पंजाब भी चलेगा, बलूचिस्तान चलेगा,
चलेगा, लेकिन पाकिस्तान क्यों नहीं चलता? क्योंकि ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। पाकिस्तान की एक पॉजिटिव चीज, हम एक पॉजिटिव डेफिनेशन, वो कहता है कि पाकिस्तान का मतलब टू नेशन थ्योरी, मतलब हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, तो क्रिश्चियनों के साथ रह लोगे, यहूदियों के साथ रह लोगे, पारसियों के साथ रह लोगे, और अगर तुम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते क्योंकि जब सिर्फ तुम मुसलमान हो गए तो तुम किसके साथ रहोगे? और ये क्या सिर्फ ये जो टू नेशन थ्योरी है, जो कि एक नेगेटिव थ्योरी है, क्योंकि कह रहा है कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते, तो फिर ये क्वेश्चन है कि ये सिर्फ सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान के लिए है, क्योंकि मुसलमान तो एक यूनिवर्सल वर्ड है, या ये अरब के मुसलमानों के भी टू नेशन थ्योरी लगाओगे आप, या आप सेंट्रल एशियन के मुसलमानों पर भी टू नेशन थ्योरी लगाओगे? सेंट्रल एशियन में तो जो जो तुर्क है उनमें तो आप देख ले करीबन 35-40% उनके यहाँ पे जो तुर्क है वो अपने आप को अथीस्ट मानते हैं, वो नहीं मानते अभी रिलीजन से, वो नहीं अपने आप को उतना वो एसोसिएट करते हैं, तो फिर वो कैसे टू नेशन थ्योरी में जी रहे हैं? पॉइंट ये है टू थ्योरी मतलब पाकिस्तान मतलब टू नेशन थ्योरी, समझिए इसको, पाकिस्तान मतलब थ्योरी, टू नेशन थ्योरी मतलब हम साथ में नहीं रहेंगे जस्ट बिकॉज के मुसलमान बन गए, हमें अपना तरीका दे दो, हमें अपने तरीके से स्टेट चलाना है, क्यों अपने तरीके से स्टेट चलाना है? क्योंकि हमें शरिया लॉ लगाना है। अब तुम इसके नाम पे शरिया लॉ लगाने के लिए एक स्टेट लेगा और शरिया लॉ लगाने से भाग रहे हो। सबसे बड़े लीडर आए इमरान खान, जो इतने बड़े चैंपियन है इस्लाम के, वो भी कह रहे हैं हमें रूल ऑफ लॉ चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए। अरे शर्म आनी चाहिए, बोल रहे हो कि रियासत मदीना चाहिए, रियासत मदीना तो शरिया लॉ से होगा ना, हर रियासत मदीना नहीं हो सकती, जब तक शरिया लॉ नहीं लगेगा वो भी 1 to 100 एग्जैक्टली सेम टू सेम, तब तक आप रियासत मदीना कैसे बनाओगे? रूल ऑफ लॉ से, डेमोक्रेसी से, इलेक्शन से, पार्लियामेंट्री लॉ से, मैन मेड लॉ से, ये इतनी कॉन्फ्लिक्ट है आपके यहाँ कि लोग सोचना नहीं चाहते। दैट्स व्हाई एसेंशियली ए नेगेटिव आइडिया। पाकिस्तान विल नेवर सर्वाइव। व्हाट विल सर्वाइव? पंजाबी, सराइकी, ये लोग आपस में मिलकर के सर्वाइव करेंगे। आप जो प्रॉब्लम देखते हैं वो सारी है। पाकिस्तान इज ऑल्सो ए नॉन इकोनॉमिक आइडिया, इट्स नेगेटिवाइजेशन ऑफ द इकोनॉमिक्स। आपने पंजाब की इकोनॉमिक्स को तोड़ दिया बीच में से, अब आप कह रहे हो हमारे पास इकोनॉमिक्स नहीं, हम कैसे अपनी इकोनॉमिक्स को ठीक करें? आपने नदियों साइल को बीच में से काट दिया, तो अब वो तो क्या इकोनॉमिक रिसोर्स जो नेचर ने आपको दिया था, अब आपके पास कभी, अब आप लोग भी बढ़ा रहे हो, 40 करोड़ लोग होने जा रहे हैं, आपका लैंड नहीं बढ़ रहा है, आपके पास एरेबल लैंड उतना ही रहना है, आप कहां से उनको फीड करोगे? इतनी थ्योरीज आप दे दिए समाज में, हर थ्योरी एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती है, लेकिन आपको एग्जिस्ट करना चाहते हैं। पाकिस्तान नीड्स अ सीरियस थिंकिंग। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की दोस्ती का रास्ता, मैं बार बार कहता हूं, पाकिस्तान के प्राइमरी स्कूलों से जाता है। वो जब तक क्लास 1-2 लेकर के 12 वो किताबें सही नहीं करेंगे, थिंग्स विल नॉट इंप्रूव। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, के जो हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं उसको इम्प्रूव करना चाहिए, उनको चेंज करना चाहिए, और उसमें से जो गलत टेक्स्ट है उसको निकालने की बहुत ज़रूरत है। बाकी सर 25 करोड़ है, हम अभी 40 करोड़ नहीं होने जा रहे, लेकिन वो भी सर बढ़ेंगे इसलिए नहीं कि हम हर थोड़े दिन बाद जो है वो सीमा हैदर जैसे कुछ लोग आपके यहाँ भेजते रहेंगे, तो सर हम आहिस्ता आहिस्ता वहाँ शिफ्ट करेंगे। और हमारे यहाँ देखें वो अकेली आई हैं, जो अकेली आई हैं वो बच्चे भी वहीं छोड़कर आई हैं, तो इसलिए सर वो टेंशन आप लोगों को रहेगी, हमें नहीं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया, एंड आई विश कि ये जो न्यूज आई है आपके पार्लियामेंट से और वो कहीं ना कहीं जाकर इस पे दोनों कंट्रीज जो है वो मैच्योरली बिहेव करें और इस चीज को जो है वो इम्प्लीमेंट भी किया जाए। जी बस मैं इतना कहूंगा कि ये जो आई है ना इनकी रिकमेंडेशन, यही हम आप कर रहे हैं। आज हमें गालियां पड़ रही हों, लेकिन हम यही कर रहे हैं, हम पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट बाहर है। आप मुझे समझ नहीं है, मैं आपको समझ रहा हूँ, और हमारे थ्रू कई लोग हमको समझने की कोशिश कर रहे हैं। यही तरीका है, क्योंकि गवर्नमेंट्स नहीं कर पाएंगी, उनके इंटरेस्ट होते हैं, उनको सरकार चलानी है, इलेक्शन जीतना है, लड़के आना है, लेकिन हमें आपको कुछ नहीं चाहिए। हम ये